हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अगर आप उसमें से हैं जिसको दाल चावल या बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, या आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप वर्किंग है, तो ये वाली दाल आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार अगर आपने ये वाली बना ली तो बार बार यही ट्राई करोगे। इसमें ना ज़्यादा प्याज काटना है ना टमाटर काटना है, इसमें ज़्यादा कटिंग भी नहीं है, बहुत जल्दी 10 मिनट बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें एक तड़का भी प्रिपेयर करेंगे अलग से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 प्याज ली थी, उसको 2 पार्ट्स में इससे से डिवाइड कर लेंगे और पीछे के हिस्से को काट देंगे। ये वाला जरूर काटिएगा, बेकार लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 टमाटर लिया है, उसको भी ऐसे सिर्फ 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करना, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। और उसके बाद आप जो है टमाटर और प्याज की क्वान्टिटी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप खाते हो। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन चिली ली है, इसको इस तरीके से स्लिट कर देंगे बीच से, इससे जो हमारी दाल होती है वो कम तीखी बनती है। आप जो मिर्च है उसकी भी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके बाद मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्च सब जो है कट गया था, उसके बाद मैंने 1 घंटे पहले ही जो दाल है उसको भिगो के रख दी थी अरहर की। आप इसको भिगो के रख सकते हो, इससे दाल जो है अच्छे से पक जाती है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो टमाटर है उसको ऐसे ही रफली प्लेस कर देंगे, और जो प्याज फिर उसके बाद लहसुन हरी मिर्च, लहसुन को काट के मत डालिएगा, ऐसे डालिएगा वो नरम हो जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है, और मिर्च अदरक इन सबको अच्छे से रख देंगे। अब इसमें हम इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं उसको ऐड करेंगे, जैसे हल्दी और नमक। आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे गरम मसाला नहीं पसंद है तो मैंने नहीं ऐड किया, स्किप कर दिया है। इसके बाद मैंने पानी ऐड किया 3 कप, ये पानी पीला लग रहा है क्योंकि मैंने दाल इसी में भिगो दी थी। उसके बाद मैंने इसमें घी ऐड किया, घी से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप प्लीज़ इसमें घी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने कुकर को ऐसे बंद कर दिया था, उसके बाद गैस जलाई। गैस जलाने के बाद इसको रखेंगे, इसको 2 विसल पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद 5 मिनट तक धीमे करके पकाएंगे, इससे दाल जो है अच्छे से गल जाती है। आप ट्राई करके देखिए कभी। देखिए पहली सीटी आई, फिर उसके बाद दूसरी सीटी, अब हमारी दाल जो अच्छे से पक गई है। उसके बाद मैंने तड़का प्रिपेयर किया है, यहाँ पर मैंने घी लिया है, घी में ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, हरी मिर्च और जो लहसुन मैंने पहले से छोटा छोटा काट के रखा था, इसको धीमे आँच पर भूनिएगा थोड़ा सा। उसके बाद देखिए हमारा सारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जो हींग होती है हींग ऐड किया है, बंद करके गैस हींग ऐड किया था, नहीं तो हींग जो है जल जाती है, उससे स्वाद बहुत बेकार लगता है हींग का। उसके बाद मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, हमारी दाल एकदम तड़के वाली प्रिपेयर है। लेकिन बिना अगर दाल बनाओ और चावल ना बनाओ तो भैया मज़ा क्या है। तो चलो थोड़ा सा चावल भी प्रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर जीरे वाले चावल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, घी में जीरा डाला, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसको सिंपल रखेंगे। उसके बाद मैंने चावल धो के पहले से रख लिया था, चावल रखेंगे 1 मिनट तक, इसको धीमी आंच पे भून लेंगे, इससे एक अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर मैंने पानी ऐड कर दिया था और इसको 1 विसल तेज़ आँच पर, और फिर उसके बाद 5 मिनट धीमी आँच पर पकाएंगे। हमारा चावल देखो एकदम गर्मा गर्म बन के तैयार है, सबसे बेस्ट एंड थेरेप्यूटिक पार्ट। अब इसको सर्व करना। फिर आप मैंने चावल लिया, इसको अच्छे से फैला लेंगे। फिर मैंने दाल अपनी बनाई थी, दाल ऐड रखा, उसके बाद चोखा और मिर्च, बहुत टेस्टी लगा था, एक बार ट्राई करना है। सब्सक्राइब